शिवम कुमार, गुड जी आफ्टरनून। ठीक कैसे? है। बढ़िया विकास ले बढ़िया। आओ, विकास कहाँ विकास रहते ले। सर हैं? बताएं कुछ मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं डिप्लोमा श्रीनगर से किया है, बोल्ड श्रीनगर अपने बारे में। से। देर दिन तक रहने वाला हूँ मैं। अरे थोड़ा उसको बताइए, आपको नाम भी पूछा था, सर नाम नाम तो तो पता पता चल चल गया गया। है। शिवम शिवम कुमार, कुमार उस बारे में बताइए, आपके आपके कॉलेज कॉलेज का, का स्कूल जीटी का, डिटेल में एडमिशन बताइए, चल रहा है। आपके जीटी एडमिशन प्रोजेक्ट्स के के बारे बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर इतना प्रिपेयर नहीं किया अभी। अच्छा ठीक। इंटर्नशिप इंटर्नशिप कहाँ कहाँ करी करी है आपने? आपने? सर कितने? डाक पता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, 1 महीना लिखा है आपने। जी सर ठीक, फेवरेट सब्जेक्ट में क्या क्या नाम लिखा है आपने? सोइल मैकेनिक्स, बीएमसी, आरसीसी, सीटी, एनवायरमेंट। तो बीएमसी और सीडी बीएमसी तो एक ही है, सीडी तो 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 बीएमसी और बीएमसी सीडी और को सीटी मर्ज को मर्ज करते हैं। ठीक करते है, हैं, एक ठीक सेकेंड है। देख सकते हैं और। आप सीडी लेके क्या? एफएम, सॉन्ग एफएम कर देना। सो नहीं सर एफएम सही है। नहीं सोम। सर एफएम सही हाँ है। स्ट्रेंथ बताइए, क्या स्ट्रेंथ है आपकी? ठीक हाँ स्ट्रेंथ बताइए, क्या स्ट्रेंथ है आपकी? सर। स्ट्रेंथ समझे, वर्क करना है तो स्ट्रेस पसंद है, वर्क करना है तो पसंद है, स्ट्रेस वाला। वाला, जी स्ट्रेस वाला। अच्छा ठीक। ठीक इसमें है, 6 पॉइंट और लिखे कम से कम, इसमें चार छह तो पॉइंट बताइए क्या लिखे हैं, लिखा है। कम से सर कम चार तो बताइए क्या ये लिखा मैंने है। आज अच्छा ही बनवाया आज बनवाया है, आज बनवाया ठीक है। है। वैसे बता दीजिए, ठीक है, अपने आप वैसे बता बता दीजिए दीजिए, कुछ। एक आपने अपने बता आप बता दिया, दीजिए कुछ, एक वर्क आपने बता बता दिया दिया, जी सर। दूसरा वो बताएं, मैं साइट वर्क वर्क बता पसंद दिया, है, दूसरा फील्ड बताएं। फील्ड वर्क जी, फील्ड वर्क वर्क यानी पसंद है कि आपको, लोगों से यानी इंटरेक्शन कि पसंद है। लोगों से जी इंटरेक्शन फिर पसंद होगा। ठीक है फिर। सर घूमना फिरना पसंद है वैसे, मतलब कि रूम के अंदर कुछ चीजों पसंद नहीं है, अच्छा रूम के अंटे, वो फील्ड वर्क साइड। में आ गया, वो जी फील्ड वर्क अंटे में आ वो गया, फील्ड वर्क वर्क में में आ आ गया। गया फिर वो। किस विषय में बदल गया? अपने आप आपको को कैसे आपको बताते कैसे हैं कि बताते सर हैं ये कि मेरी सर ये ताकत है, मेरी ये मेरी ताकत है, स्ट्रेंथ ये है? मेरी स्ट्रेंथ है? सर ये दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता है। ठीक ठीक है, दूरदर्शिता है, जैसे एग्जाम दूरदर्शिता जैसे एग्जाम लाइफ में, में कुछ हुआ लाइफ होगा तभी में आपको पता कुछ रहेगा हुआ होगा मेरी तभी स्ट्रेंथ आपको है। पता रहेगा कि सर हाँ मैं मेरी स्ट्रेंथ है। समझ कुछ सकता हूँ, मतलब कुछ एग्जाम्पल जो आपके साथ कभी भी घटा हो, एग्जाम्पल कि जो आपको आपके ऐसा साथ कभी लगा भी कि घटा हाँ हो मेरी जो आपको स्ट्रेंथ ऐसा है। लगा हो कि हाँ मेरी ये स्ट्रेंथ सर है। मतलब जैसे मैं पहले प्रिपरेशन कर रहा था ओके डिफेंस की तरफ, ओके लेकिन ओके इंजीनियरिंग की उसके बाद मैंने पहले उतर कर एक बायपास पे रखा। ओके। अच्छा, उसको बाईपास, मतलब आपने इंजीनियरिंग को चूज किया, आपको लग रहा था कि इसमें आ जाएगा, तो इसमें चीजें हो जाएंगी। ओके, इसका मतलब आप दूरदर्शिता अगर आप में है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे फिर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपको कोई काम दे हम, तो उसे आप रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक एग्जांपल दे दीजिए, अभी तक आपने 20-22 साल की उम्र में क्या ऐसा कुछ है जो बता सकते हैं आप? सर जैसे स्कूल के प्रोग्राम वगैरह होते थे क्लास में मॉनिटर अच्छा, तो था मॉनिटर तो उनको बनाया जाता है जो बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं। तो कुछ इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया था आपने एज यस अ मॉनिटर? कौन सा इवेंट था? टीचर्स सर, डे। ओके ओके, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस नहीं डे, ये सब। तो अपने सर डिप्लोमा में भी मॉनिटर थे आप? अपने डिप्लोमा में टाइप से इस तरह से ऐसे, अच्छी रही आपकी स्ट्रेंथ, तो उसके वो बाद ट्वेल्थ आपने तक ही डिप्लोमा में रही नहीं आपकी बनना स्ट्रेंथ, चाहता। उसके बाद आपने सर डिप्लोमा में कॉलेज नहीं टाइम में बनना थोड़ा चाहा? चेंज रहता है, अच्छा स्टडी को टाइम देना पड़ता है। अच्छा ओके, ये स्ट्रेंथ फिर जॉब मिलने के बाद चेंज तो ये होगी? नहीं स्ट्रेंथ फिर सर जॉब मिलने सब के बाद नहीं चेंज हो मिलेगा गई? सर। अच्छा, नहीं सर, तो आपने नहीं लिखा है आपका आपने इंटीग्रिटी भी बहुत है। नहीं आपने लिखा है आपने सर इंटीग्रिटी भी सही बहुत तो है। आपने सर, तो ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। आप तो आप देहरादून तो से ही ना देहरादून से ही प्रॉपर? ना प्रॉपर? जी विकास में, हाँ हाँ विकास में। विकास। ठीक, तो तो किसमें किसमें ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है? नॉन नॉन टेक्निकल या टेक्निकल? टेक्निकल? सर नॉन टेक कोई प्रिपेयर नहीं किया है, प्रिपेयर नहीं किया, टेक्निकल। प्रिपेयर नहीं किया तो है। अगर हम तीनों से नॉन तो टेक अगर पूछे हम तीनों से नॉन टेक जी पूछे तो कैसे करें सर? आप कैसे क्योंकि करेंगे? क्या इंटरव्यू में आप हम बैठे हो, सिविल सिविल के का है ही इंटरव्यू नहीं, में आप कोई भी बैठे हो सिविल के है सर, ही नहीं, कोई भी सिविल का क्या नहीं है। करें तो क्या करें? सर? उत्तराखंड में रहते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा सेफ्टी बहुत नंबर सेफ्टी नंबर नीचे का लगा के उम्मीद लगा लो। दूरदर्शिता जैसे का दूरदर्शिता एग्जाम, का एग्जाम दे कितने दीजिए, मार्क्स कितने है? मार्क्स आ जाएंगे फिर आपके? 40 अगर हम मार्क्स। आउट ऑफ 100 की बात करें, 40 40 40 50 मैक्सिमम ही हम 60 देते हैं, मान लेते हैं। फिर हर एक स्टूडेंट जितना भी आता है हम सबको मैक्सिमम 60 दे देते हैं, बस मैक्सिमम 60 से ऊपर नहीं जाते हैं। अब बताइए आपको हम कितने दें? 40। इसका नॉन टेक भी अच्छा नहीं है, उसको भी हम 40 दे दें? ऐसी दूरदर्शिता है आपकी?
इतनी पॉजिटिव दूरदर्शिता है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो फिर नॉन टेक से शुरू किया जाए। यहाँ पे सब सिविल किसी को नहीं आता है, यहाँ पे तो नॉन टेक ही होगा पूरा। ठीक है, चलिए नॉन टेक से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं पहले नॉन टेक में, तो आप बता दीजिए, मैं पूछ लूं सीधा। 40 मार्क्स आने चाहिए आपके। हाँ, क्योंकि तो थोड़ा सा मैं मार्क्स बहुत कम देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देहरादून में आप रहते हैं 22 साल से। देहरादून की कुछ ऐसी बातें बताइए जो आम जनता को नहीं पता है। जैसे अगर मैं देहरादून का नहीं हूँ तो मुझे वो बात पता नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे देहरादून में क्या, ये तो है सबको ही पता है। तो कुछ अलग बताइए कि देहरादून में क्या है ऐसा जो सिर्फ लोकल लोगों को पता होता है ना। हर एक जगह की ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ लोकल लोगों को ही पता होती है। हाँ बताइए, कहाँ अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है? सतगुरु। अच्छा, स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। हाँ, घूमने के लिए क्या है? क्या कैपेसिटी है बजाज सर यहाँ पर? सर ठीक सर, टैंक वगैरह भी रखे हैं, पक्षी वगैरह? नहीं नहीं, कैपेसिटी पानी की, कैपेसिटी पानी की कैपेसिटी कितनी है बजाज की? हाँ सर, इतना नहीं। ठीक है, नाम बता, हो गया सतगुरु हो गया। नेक्स्ट पूछिए सर। एफआरआई है सर घूमने के लिए? वो तो मुझे पता है, मुझे एफआरआई हो गया, आईएएस हो गया, कॉमन चीज है। नेक्स्ट बताइए और सर। और खासकर रात को सर अच्छा। मिनिमम 7-8 उत्तराखंड की बातें कर लेते हैं। उत्तराखंड में जनजातियां जनजातियां कौन कौन सी? गढ़वाली जनजाति, जौनसारी गढ़वाली जनजाति, गढ़वाल और कुमाऊं। बहुत बढ़िया। और नहीं सर, हम यूपी से बिलोंग करते हैं। आपके हिसाब से मैक्सिमम पॉपुलेशन किस जनजाति की? सर कुमाऊं से गढ़वाली। नहीं लगता इन दोनों में से किसी की है। तो बताए यहाँ का वन क्षेत्र कितना है उत्तराखंड का? एनवायरमेंट आपने नॉलेज ही हाँ, तो एनवायरमेंट में सराउंडिंग आता है। तो उत्तराखंड में आपको पहले से पता होगा कि वन क्षेत्र कितना? सर 40% के लगभग होगा, मुझे एक्यूरेट नहीं पता था। 40% वन क्षेत्र सर शायद। अच्छा बताइए भाई, आपके यहाँ का फूल कौन सा है? स्टेट फूल कौन सा है? राज्य फूल, राज्य पक्षी, राज्य पेड़? सर बुरास है शायद। पेड़ बुरास है? नहीं सर फूल। इन तीनों में से पक्का कौन सा ये बता दो। पक्षी सर पुष्प होगा, ब्रह्म कमल कौन सा पक्का? मैंने बताया जी सर, पेड़ नहीं होगा सर, ब्रश पेड़ हो जाएगा। फिर तो ब्रश पेड़ हो जाएगा। ठीक है, और ब्रश पेड़ हो जाएगा पक्का। ठीक है, और बाज उसका कंफर्म है सर। सीमाएं के बारे में जानते हैं? सीमाओं के बारे में, सीमाएं के बारे में जानते हैं? सीमाओं के बारे में उत्तराखंड की सीमा स्टेट से लगती है? इंडिया किस स्टेट से लगती है? इंडिया किस स्टेट से लगती? किन किन स्टेट से लगती है सर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सर। सही, हिमाचल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश दो से लगती है। और
अच्छा, और इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ से लगता है? चीन से लगता है। एक और भूटान शायद नहीं, नेपाल चीन पाकिस्तान नहीं सर, अफगानिस्तान तो तिब्बत, तिब्बत से चीन में आ गया, वो तो हो गया। पाकिस्तान से एक लगती है, चाइना से कितने की लगती है? चाइना से कितने किलोमीटर की बॉर्डर है? 300 समथिंग कर गए, 300 कुछ। नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? सर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ ठीक है, चमोली, चमोली सर, ऊधमसिंह नगर, चमोली है कि नहीं? चमोली है, सेंटर में शायद ऊधमसिंह नगर, इनके दो है, इनके बीच में एक और है, आपको दो पता है, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह। ठीक है, मिनी कश्मीर कैसे कहा जाता है? ठीक है, मिनी कश्मीर कैसे कहा जाता है? मिनी कश्मीर मसूरी, तो पहाड़ों की रानी कैसे कहा जाता है? सर मसूरी को कहते हैं सर, तो मिनी कश्मीर मसूरी और पहाड़ों की रानी मसूरी, पहाड़ों की रानी कश्मीर को बोलते हैं। यूपी के पहले पहले सीएम कौन थे? देहरादून के, देहरादून जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है टेरीगढ़वाल सर, नरेंद्र नगर, डिस्ट्रिक्ट जिले, सर जिले 17 है, 17 मैं 13 सुने थे। आपकी स्कूलिंग कहां से हुई? सर विकास नगर से, विकास नगर से। डिस्ट्रिक्ट नहीं पता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पता है यहां पे कितने? सर चार बड़े, हां पढ़ने तो बहुत बड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट आपके बहुत बड़े हैं। सर नॉन टेक थोड़ा भी, सर 13 दे पहले, फिर चार बड़े थे सर, डीडी हार्ट और 13-14 वो डीडी हार्ट बनाया था, उत्तराखंड की राजधानी, तो बहुत बड़ी बात हो गया आपके दे रहे हो मध्य प्रदेश, ठीक है चलो ठीक है, बट ये तो दे रहे आप अपने आसपास में कौन से जिलों से राजधानी है? लोकसभा सीट कितनी? ये भी नहीं बोलता, राज्यसभा, विधानसभा, गवर्नर बोलते ही नहीं, ये होता है कॉमन सेंस, जैसे डिस्ट्रिक्ट है कॉमन चीज है, नॉर्मल कोई पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, कोई आपके यहाँ ऐसे भी जिनको लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे उनको भी पता होंगे हमारे उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्मल चीज है ना, तो पढ़े लिखे इंसान को खासकर आपकी परसेंटेज इतनी हाई है नहीं, मेरी कितनी भी होगा, अगर आप मेरी बोल के सही, आप गलत हो गई, अगर आप मेरी बोल के सही बोल दो तब भी इसमें हम ये मान लेंगे ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में मेरी थोड़ा लगता है ना, बहुत कॉमन चीज है आपको बतानी चाहिए, तो बहुत गवर्नर भी नहीं बता रहा हूँ कौन है अभी, सीएम सर, सीएम हमारे सर मुझे नाम याद नहीं, प्रेजेंटली सीएम का नाम याद नहीं आपको, कम से कम एटलीस्ट सीएम का नाम तो याद होगा, ठीक है पहले बताओ फिर इंटरव्यू आगे बढ़ेंगे, सही में सीएम का नाम तो बता दीजिए,
आपका नाम क्या है? आपको तो याद है ना अपना नाम? विकास कुमार। हाँ बताओ बताओ, तभी आराम से आगे चलेंगे। आराम बताओ, सीएम का नाम बताओ। प्रेशर में मत आइए, कूल रहिए। पानी नहीं पी लो, पी लो पानी। घूम फिर के आके सोच के बताना तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ सीएम का नाम बताओ। धामी है सर। कौन धामी? फुल फुल पुष्कर सिंह धामी। धामी का कोई दोस्त तो है नहीं, क्योंकि धामी है सर। पुष्कर सिंह धामी। अच्छा अगर आपको सिलेक्शन मिल जाता है तो डिपार्टमेंट कौन सा लेंगे आप सबसे पहले? आरडब्ल्यूडी। फुल फॉर्म बताएं इसका। इसके यहाँ पे अभी मिनिस्टर कौन है आपके स्टेट के? सतपाल सिंह महाराज। सही है ये पक्का? तो ये भी शायद है। अच्छा तो आपको मिनिस्टर पता है, आपको सीएम नहीं पता? सीएम तो सोचना पड़ रहा है। अच्छा नदियों के बारे में जानते हैं? नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं? बताएं कितने नेशनल पार्क हैं? तो अभी तो हाँ बोले थे। जिम जिम कॉर्बेट तो पता होगा, राजा जी पता होगा, गोविंद पता होगा, नंदा देवी पता होगा, तो फिर ये क्या नेशनल पार्क ही तो है ये? चलो आप बता दो आपको क्या पता है, बता दो कोई पांच चीजें उत्तराखंड के बारे में जो नॉन टेक में आता है, आप बता दो पांच चीजें। एक मिनट रुको, फिर फूलों की घाटी ये यूनेस्को साइट है कि नहीं? यूनेस्को साइट है या नहीं है ये? यहां से एक नदी गुजरती है उसका नाम पता है? तो फूलों की घाटी को मैं क्या लिखूं इसमें, यहाँ क्या है? यहाँ पे चमोली को बोलते हैं, चमोली को फूलों की घाटी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, और बताएं। पहली चीज हो गई फूलों की घाटी, मान लिया, वैसे तो होना नहीं चाहिए पर ठीक है, बताएं और क्या? अरे बहुत बढ़िया, बताओ। 53,400 ये भी समथिंग है। यूनिट यूनिट क्या होना? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है 400 समथिंग है। 438 ठीक है, और बताएं। देशांतर। हाँ बताओ। 28 डिग्री 49 मिनट्स 231 डिग्री 28 मिनट। बहुत बढ़िया। उत्तर से नॉर्थ। ठीक है पश्चिम से है ये, नॉर्थ साउथ पे है ना ये? हाँ, और ईस्ट वेस्ट पे? ईस्ट वेस्ट पे है 69 डिग्री। तो मिनट का मैं कंफर्म नहीं है, पर 81 डिग्री। और इसका मिनट नहीं पता। ठीक है और बताएं, तीन चीजें हुई हैं पर आधा जरूरी, बताएं चौथी चीज बताएं। मैं ऐसे अच्छा, हरिद्वार के बारे में जानते हो? सर। गए हो? बताएं हरिद्वार के बारे में दो चीजें बता दो। हाँ, क्यों फेमस है हिंदू हिंदू धर्म में? सर वो महादेव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? महादेव की। यानी पूजा तो वहाँ पे गंगा जी की भी होती है, पर फेमस क्यों है वहाँ पे? ऐसा क्या है कि फेमस है? कुंभ लगता है। कुंभ तो 12 साल में लगता है, वैसे भी तो फेमस है, 12 साल में तो लोग आते ही है, फेमस क्यों है की बॉडी? और कोई नहीं पता सगी पाड़ी के बारे में? कुछ नहीं पता। ठीक है और बताओ परिवार में और क्या है, या फिर कहीं और कुछ है तो बता दो, एक पॉइंट और बताओ। हाँ वो आपकी चॉइस है, हरिद्वार के बारे में बताओ या फिर उत्तराखंड के बारे में बता दो। पिथौरागढ़ ऐसा है जो दो उसमें जुड़ता है, मतलब दो दशक होता है। हाँ बताओ, नेपाल और पाकिस्तान? नेपाल और चीन। नेपाल और चीन। अच्छा ठीक, बस बहुत है इतना। तो थोड़ा सा हिस्ट्री पूछ लीजिए उत्तराखंड की। हिस्ट्री पूछ लीजिए तो आपकी शेयर जी ने अभी नॉन टेक के लिए तो मना ही कर दिया है। आपकी परसेंटेज तो काफी अच्छी है टेक्निकल में, अब एक्सपेक्ट करेंगे हम आपको चीजें आती है। आपने
परसेंटेज काफी अच्छी लेके आ रही है पॉलिटेक्निक हमने गवर्नमेंट कॉलेज है ना उत्तरकाशी का सॉरी श्रीनगर हाँ उत्तराखंड है ना श्रीनगर में गवर्नमेंट कॉलेज है पॉलिटेक्निक का ठीक है मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं आपके ऑटो कैड भी आपने सीखा हुआ है ऑटो कैड की कमांड पता है आपको ऑफसेट कमांड क्या होती है नहीं पता लाइन कमांड एल एंटर चलो ठीक है फिर शुरू में कोई डाटा बना होता है वो कितना रखते हैं पेज का साइज हम एंट्री करते हैं स्टार्टिंग में पेज का साइज नहीं आता चलिए नहीं अब आप कंफर्ट हो जाइए नॉन टेक जो हुआ ठीक है उसमें प्रिपरेशन आपको करनी है आप टेक्निकल में अपना पूरा फोकस रखिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से ठीक है आप सबसे पहले बताइए किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें इनसे सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट करें ठीक है तो बेसिक बता दीजिए मुझे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है चट्टान बनती उसको क्या बोलते हैं डिपोजिशन अब हीवर भी पढ़ा होगा आपने कहीं नहीं पढ़ा है ना चलिए जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल is known as नहीं पता रेजिडुअल सॉइल क्या होती है रेजिडुअल सॉइल ऐसी सॉइल जो चट्टान से वेदरिंग के कारण आते हैं वहां से और वहीं के वो दोबारा मिट्टी बन जाए अच्छा कौन सी वेदरिंग केमिकल या फिजिकल वेदरिंग दोनों से हो सकते हैं ठीक है लोम सॉइल आपने सुना होगा और ब्लैक कॉटन सॉइल भी सुना होगा पहले बताइए लोम सॉइल क्या है लोम सॉइल सर इट्स अ सिल्ट क्ले का मिक्सचर बस आधा अधूरा बता रहे हो आप सिल्ट क्ले का मिक्सचर आपने बोला लोम सॉइल एक कंपोनेंट भूल गए आप फिर उसमें सैंड शायद क्या कन्फर्म ओके ब्लैक कॉटन सॉइल इतनी ज्यादा फेमस क्यों है स्वेलिंग और श्रिंकेज ज्यादा देखने को मिलती है अगर ब्लैक कॉटन सॉइल में आपको फाउंडेशन डालनी है घर बनाना है उसके ऊपर तो कौन सी फाउंडेशन उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी पाइल फाउंडेशन और इसके अलावा बताओगे इसमें क्या नहीं है नहीं पता ओके तो ब्लैक कॉटन सॉइल में आपने बोला मॉन्टमोरल इसमें आप बताना मुझे क्रॉप ग्रो करती है कपास ग्रो करती है ठीक है चलिए अब मुझे आप बताइए वाइट रेशियो क्या होता है नॉर्मल सिग्निफिकेंस भी समझा दीजिए एंड फॉर्मूला भी बता दीजिए कितना वर्ल्ड में कितना सॉलिड में है लिमिट कितनी होती है इसके लिमिट इसकी 0 to 1 होती है सर अच्छा 0 to 1 के बीच में होती है 0 नहीं हो सकती है ओके और 1 से ऊपर भी नहीं हो सकती है पक्का 1 से ऊपर हो सकती है लिमिट कहां से कहां गई है ग्रेटर देन 0 1 से ऊपर कैसे हो सकती है सर जब वॉइड ज्यादा हो जाएंगे सॉलिड से ज्यादा हो सकते हैं वॉइड ओके एग्जांपल दीजिए सर कोई सॉइल है मान लीजिए इसके हाफ में सॉइल है ऊपर ये इतना पानी है अगर हमने इसे बड़े बिगर में डाल दिया खूब सारे पानी डाल दिए तो फिर सॉइल सस्पेंशन आ जाएगी लेकिन सर फिर वो ज्यादा रहेगा
ठीक है, पानी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। डेंसिटी इंडेक्स आपने सुना होगा, डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स सर ये बताता है कि सॉलिड की डेंसिटी कितनी है। ओके, सॉलिड की डेंसिटी कितनी है, कौन से सॉइल के लिए डेंसिटी इंडेक्स प्रेफरेबल है? सैंड के लिए। और इसके अलावा, सैंड के अलावा एग्रीगेट में नहीं कर सकते हैं? और रिलेटिव कॉम्पैक्शन, रिलेटिव कॉम्पैक्शन पता है आपको क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी पता है क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स को ही बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स को ही बोलते हैं। जरा फॉर्मूला बताइए मुझे, कैसे निकालते हैं डेंसिटी इंडेक्स? अच्छा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है? डेंसिटी इंडेक्स जीरो हो सकता है कभी? हो सकता है 100? कोई सॉइल एग्जांपल? सैंड के लिए होता है। ओके ठीक है, आप बताइए मुझे सेंसिटिविटी क्या होती है सॉइल में? सेंसिटिविटी सर जब कोई सॉइल को हम डिस्पोज उसको अलग करते हैं, अलग हटाया तो उसकी स्ट्रेंथ में कितना फर्क पड़ता है तो सेंसिटिविटी? सॉइल को आपने अलग हटाया तो उसकी स्ट्रेंथ में कितना फर्क पड़ता है? अच्छा, और अच्छे से समझाओगे अगर आप इसको फॉर्मूला वाइज से समझा दो जरा, कैसे निकालोगे उसको? सेंसिटिविटी निकलती कैसे? नहीं पता, अनडिस्टर्ब्ड अपॉन डिस्टर्ब्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सैंपल करेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड कट के एक हो गया। सर अनडिस्टर्ब्ड ऊपर, अनडिस्टर्ब्ड, अच्छा अनडिस्टर्ब हो गया ऊपर, नीचे शियर स्ट्रेंथ होता है वो ऊपर जो आपने बोला स्ट्रेंथ, या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है? शियर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, वाटर कंटेंट को निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं? टिकोमीटर मेथड, हाँ ओवन ड्राई मेथड, कैल्शियम कार्बाइड, रेडिएशन मेथड है। ठीक है, गुड सर, सैंड बाथ मेथड, गुड ठीक है, और बताइए एक और है, अल्कोहल मेथड, अल्कोहल। अच्छा ठीक है, आप बताइए दो, फिर स्पिरिट बोला आपने, कौन सा स्पिरिट यूज करते हैं? नहीं पता। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में कौन सी गैस रिलीज होती है? एसिटिलीन गैस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग? कैल्शियम कार्बाइड CaC2 हो गया ना, एसिटिलीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड हो गया ना, एसिटिलीन गैस बोल रहा हूँ मैं आपसे। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला C2H2। ठीक है, और सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सी है वाटर कंटेंट निकालने के लिए? ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड में टेम्परेचर सेंड के लिए मैक्सिमम कितना से ऊपर नहीं होना चाहिए? 110 से ऊपर। क्यों 110 से ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा उससे फिर? क्यों करते हैं हम लोग सीवेज एनालिसिस? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। तो सैंड को क्लासिफाई करिए जरा, सैंड की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? सैंड की रेंज सर 4.7 mm से कम करना, 600 माइक्रोन तक। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्ले की रेंज सर 2 माइक्रोन से कम। सिल्ट 2 माइक्रोन से 70 या 75? 75 माइक्रोन। फिर सैंड
अभी आपने बोला 427 से नीचे और 600 माइक्रोन से स्टार्ट होगी बोला, अब मैं पीछे से आया पूछना तो आपने बोला 75 माइक्रोन से 300 माइक्रोन, 4.75 क्या हो गया फिर, कहाँ गया वो 300 माइक्रोन? अच्छा 4.75 एमएम को कन्वर्ट करूंगा तो 300 माइक्रोन आएगा, कन्वर्ट करूँ? हाँ ठीक है, कहाँ हाँ ये था ना सी एनालिसिस परफॉर्म करी आपने? नहीं करी कभी, पॉलिटेक्निक में नहीं करवाई आपको, कॉलेज में कभी नहीं करवाते? अच्छा ठीक है, परमीबिलिटी क्या होती है? आप ये बता दीजिए मुझे, डिफरेंस बता दीजिए पोरोसिटी और परमीबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? पानी का पास होना सॉइल से परमीबिलिटी का, ठीक है कहाँ से पास होगा वो? थ्रू सॉइल, हाँ वॉइड से, थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, ठीक है। और पोरोसिटी? पोरोसिटी से संबंधित है कि सॉइल कितनी पोरस है सर, उसमें छेद कितने हैं, वॉइड्स कितने हैं। अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं, अभी मीडियम तो ठीक है, आप हिंदी में आंसर दे सकते हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना उसके बारे में। सर एक्चुअली मैंने ना डिप्लोमा के बाद इंग्लिश में पढ़ा था। अच्छा उससे पहले उसने पूरा मिक्सअप हो गया पूरा, ठीक है। तो पोरोसिटी कोई सॉइल पता है आपको जो बहुत ज्यादा पोरस हो, और कोई ऐसी सॉइल जो कि बहुत ज्यादा परमीएबल हो, एग्जांपल दे दो। पोरस सॉइल बता दो आप, जस्ट परमीएबल रहने दो। क्ले पोरस है कि परमीएबल नहीं है? क्ले पोरस है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और कोई परमीएबल सॉइल का एग्जांपल दे दो। सैंड। सैंड बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे ज्यादा परमीएबिलिटी किसकी होती है, कौन से सॉइल की होती है? एल्यूवियल सॉइल तो सैंड भी हो सकती है, ग्रेवल भी हो सकती है, और सैंडी सॉइल की सबसे ज्यादा होती है, ग्रेवल की नहीं होती है? फिर सैंड बोला आपने, ग्रेवल सॉइल होगा। कंफर्म नहीं है। कांस्टेंट हेड परमीबिलिटी टेस्ट किया आपने? नहीं किया होगा लेकिन पढ़ा तो होगा उसके बारे में, ठीक है पढ़ा होगा ना, कांस्टेंट हेड परमीबिलिटी टेस्ट। बताइए जरा इसके बारे में, किसके लिए परफॉर्म करते हैं हम लोग? नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है बढ़िया। डिस्चार्ज अगर आपको उसमें परमीबिलिटी निकालनी, कैसे निकालोगे परमीबिलिटी, लिख के बता सकते हो आप? कोई दिक्कत नहीं, हाँ बता दीजिए लिख के। नहीं आ रहा, कौन सी यूनिट आपको सॉइल में बहुत अच्छे से आती है? हाँ जिसके जिसमें आपको सारी चीजें आती हैं। आपने ये जब से एग्जाम हुआ उसके बाद से पढ़े? नोट्स नहीं लिखा है तब से? पढ़े नहीं, कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा मतलब आपको? नहीं सर अभी तरह जॉब करते हैं? नहीं सर। फिर कहाँ भेजी थे? अच्छा चार महीने से करके काम कर रहे हैं, अगर जॉब जॉब नहीं होगी तो फिर तो परमानेंट वही काम करना पड़ेगा आपको उसके बाद। अच्छा चलो सोम, एक आपने सोम लिखवा रखा है, एफएम बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है तो एक बार एफएम में सर एफएम में बात कर लेते हैं। चलो चलो एफएम में बेसिकली मुझे बताइए विस्कोसिटी क्या होती है, उससे शुरू करते हैं। पानी के फ्लो होने में जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो पैदा करता है वो विस्कोसिटी है। पानी का फ्लो किसकी वजह से होता है? दोबारा फिर से जब एक पार्टिकल या कोई सा कुछ भी किसी फ्लूइड के अंदर जाता है तो उसमें जो उसे रोकने के ऊपर करता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं, रोकने की कोशिश करे उसे। तो ऐसे जाते हुए विस्कोसिटी नहीं, पानी के ऐसे जाते हुए आपने तो पानी के अंदर मान लीजिए कंकड़ डाल दिए तो उसमें विस्कोसिटी आ रही, इसमें नहीं है? इसमें भी आएगी। ओके जैसे कि हम ओसीएफ में पढ़ते हैं पानी का फ्लो चल रहा है, ठीक है तो पानी का फ्लो कौन करवा रहा है?
एनर्जी करवा रही है, तो विस्कोसिटी तो नहीं करवा रही, फ्लो नहीं करवाती है वो, हमेशा रुकती है। ये आपने एक फ्रिक्शन वर्ड किया था, फ्रिक्शन वर्ड हमेशा रोकता है फ्लो को या फेवर भी करता है? फ्रिक्शन गति के लिए हमेशा रुकता है, कभी फेवर नहीं करता। अब मुझे बताइए जो एयर है, ठीक है, एयर का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? एयर का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ेगी घटेगी? विस्कोसिटी घटेगी, बढ़ जाएगी सर। एक चीज पर फिक्स रहो, शायद भी और बढ़ जाएगी घट जाएगी, एक चीज तो बोलो, जल्दी से बोलो। बढ़ेगी, बढ़ेगी लिक्विड के घटेगी, लिक्विड में घटेगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक घटेगी, काइनेमेटिक लिक्विड में घटेगी, कंफर्म? एयर में बढ़ेगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी। अरे काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है फिजिकली? जब फ्लोर एक उसमें होता है, गति में होता है, तो ये विस्कोसिटी करता है काइनेमेटिक्स को। जो गति में होता है, जो विस्कोसिटी करता है, वो काइनेमेटिक्स से, वो तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी थी जो आपने भी बताई, विस्कोसिटी काइनेमेटिक रुकी वाली, काइनेमेटिक रुकी वाली होगी। उसके बाद तो बताइए फिर सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन जो फ्लोर होता है उसके सरफेस की होती है ना, उसे तनाव में रखता है कम से कम एरिया गिरने के लिए, कम से कम एरिया गिरने के लिए तनाव में रखता है, उसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अरे यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। एक मैंने यूनिट पढ़ी जूल पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी होती है? इसी की। अगर हम जेट को लेके चले तो जेट का फॉर्मूला क्या होगा सरफेस टेंशन के लिए? जेट का फॉर्मूला छोड़िए, बबल का बता बताइए, बबल का बता दीजिए। ऐसा कुछ हो रहा है, चलो छोड़ो इस रहने दो। अच्छा बताना कैपिलरिटी क्या होता है? पानी का कोहेजन या पसंजन के कारण ऊपर या नीचे उठना कैपिलरिटी होता है। कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी अगर मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर का डाया का एक क्यूब है, 10 सेंटीमीटर डाया समझते हो, डायमीटर होलो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर मैंने पानी में डिप किया तो कितने ऊपर चढ़ेगा ये? क्यों चढ़ेगा सर? उसका डाया बहुत ज़्यादा है। कितना होना चाहिए फिर कैपिलरिटी के लिए? 6 एमएम डायमीटर, उससे ऊपर पे काम नहीं करेगा, उससे कम पे काम करेगा। क्या होता है जब कोई वस्तु फ्लोट करती है तो उसके जो ग्रेविटी होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ग्रेविटी होता है जो उसको हम छेड़ते हैं, तो उसका सेंटर ग्रेविटी चेंज हो जाता है। सेंटर ग्रेविटी चेंज हो जाता है, चलो चलो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहने चाह रहे हो। आप मुझे ये बताइए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मेटा सेंटर का? फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब जो मेटा सेंटर आप अभी बोलते हैं, मुझे पूरी डेफिनेशन देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, जो आपको वर्ड नहीं मिल पा रहे हैं और आपको सोच रहे हो पता नहीं, तो अगर हम मेटा सेंटर की वजह सी जी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हमारा मास जहाँ एक्ट कर रहा है कि ऐसे मेटा सेंटर का कुछ होता है, बताइए क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जहाँ पे सारा फोर्स काम करेगा। सारा फोर्स कौन सा वाला? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रही है, फिजिकल आ गया ना सेंस, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ मेटा सेंटर का फिजिकल सेंस क्या है? यहाँ पे पीसोमीटर क्या होता है? पानी का हेड किस सेंस में? पानी का ही नापेगा, फ्लूइड। तो मान लीजिए मैंने एयर पास किया एक पाइप से, उसका पीजोमीटर से हेड नाप रहे हैं, कितना आएगा? क्यों नहीं आएगा? पीजोमीटर से फ्लूइड का नाप, आपने फ्लूइड बोला ना अभी, ठीक है चलिए।
तो आपने सुना होगा पाइटर ट्यूब क्या काम करता है? सही, चलते पानी का हेड नापता है। चलते पानी का हेड नापता है? नहीं, वेलोसिटी नापता है। कौन सी वाली वेलोसिटी? वेलोसिटी कोई सी होती है वेलोसिटी। अच्छा, कंट्रीडिक इक्वेशन लिखिएगा। कंट्रीडिक इक्वेशन क्या होती है? हाँ लिखो लिखो, कंट्रीडिक इक्वेशन लिखो। कुछ अलग ही जा रहे हो आप। चलो कंटिन्यूटी क्वेश्चन रिमेम्बर, तो बर्नौली बता दो फिर, इससे और इजी क्या क्वेश्चन होता है कंटिन्यूटी से? बर्नौली बता दो, चाहे लिख के दो चाहे ऐसे ही बोल दो। चलो लिख लो। नहीं याद नहीं आ रहा तो रहने दो। कितना क्या लिखा बोलो बोलो। P upon gamma plus half mv square plus h equals to। चलो रहने दो फिर, रहने दो, सारी यूनिट्स मिक्स कर दिया हमने। ठीक है, चलो तो अब ये बता, इरिगेशन आपने लिखा हुआ है, अगर मैं डिस्चार्ज ओपन चैनल का नापूं तो कौन से डिवाइस से हम यूज करते हैं ओपन चैनल का डिस्चार्ज, उसका नाम बताइए। डिस्चार्ज नापना है ओपन चैनल का, कैनल जा रही है, हाँ तो किससे नाप सकते हैं, उसका नाम है। कुछ बना भी रहे हो आप हाथों से? ठीक है, नाम बोल गए, चलो छोड़ो, सोच लो अभी बस। ठीक है, कैसे कैसे आंसर दे रहे हो, चलो ठीक है। नहीं अच्छा, चलो बढ़िया, कोई नहीं रहने दो आप। ठीक है, अब ये बताइए, आपने यहाँ पर आरसीसी लिखा हुआ है, तो माइल्ड स्टील का कर्व बनाना जरा एक बार। अच्छा, आरसीसी में आज पहले फुल फॉर्म बताओ। कंक्रीट, तो कंक्रीट का जरा मुझे डायग्राम बनाइए जो आप आरसीसी में यूज करते हुए बनाओ, समझ लो आप जेई बन गए और अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कंक्रीट का डायग्राम बनाइए। स्ट्रेस टेंसर बनाइए कंक्रीट का यूज करते हुए, यूज मतलब जब आप लोड लगा रहे हो उस पर, तो बनाइए क्या होगा स्ट्रेस टेंसर कंक्रीट का। कंक्रीट जो आरसीसी में आप यूज कर रहे हो कौन सी फोर्सेस को झेल रही होगी? कंप्रेशन, टेंशन, शियर? कंप्रेशन। और ये डायग्राम किसने बनाया? तो टेंशन में डिजाइन कर दोगे आप, जेई बन रखे हो, ऐसे ब्लेंडर मिस्टेक करोगे आप वहां पर? सोचो जरा, मैंने क्या पूछा कि आप कंक्रीट यूज कर रहे हो तो बताइए कहाँ बनेगा। अरे यार अच्छे से बना रहे हो, कंप्रेशन में होगा ना, तो ये तो टेंशन में बना रहे हो आप, कंप्रेशन में कहाँ बनेगा? कंप्रेशन में कैसे बनाओगे पक्का? ये टेंशन में है, और जबकि कंक्रीट किस में लेके चलते हो आप? आपने बोला मुझे कंप्रेशन में, टेंशन में किस चीज को लेते हैं आरसीसी के अंदर? स्टील को, अब उसका बना माइल्ड स्टील का है ना, स्ट्रक्चर स्टील, माइल्ड स्टील जिसे आप बोल देते हैं, ठीक है, लो कार्बन स्टील, अब उसको बना। अब आप खुद आंसर दो कि दोनों ही टेंशन है, जब दोनों ही टेंशन में यूज हो रहे हैं तो आरसीसी में हम दोनों टेंशन वाले मटेरियल यूज क्यों कर रहे हैं? एक कंप्रेशन और एक टेंशन में यूज करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब एक ग्राफ तो गलत है ना, बिल्कुल। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब नीचे की साइड जो कंप्रेशन का होता है, ठीक है। हाँ,
चलिए तो अब मुझे बताइए कि जो ये कंक्रीट है इसका इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है या नहीं होती, पहले तो ये बताइए। कंक्रीट में इलास्टिसिटी कंफर्म, और इलास्टिसिटी के लिए तो हम स्टील यूज कर रहे हैं। टेंशन ज्यादा झेल सकती है कंक्रीट में, इलास्टिसिटी है आपका कहने का मतलब ये है। अच्छा तो कितनी वैल्यू होती है इलास्टिसिटी की? नहीं होती है, पॉइजन स्ट्रेस होता है, इलास्टिसिटी नहीं होती है। फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्यों पढ़ते हैं? पढ़ा पढ़ा तो होगा आपने, फॉर्मूला याद है? शॉर्ट टर्म वाला होता है, शॉर्ट टर्म वाला होता है थीटा क्रॉस टू। नहीं बता। 7, 11, 21 दस की होती है। अच्छा तो जो आपने पॉइजन रेशियो भी बोला कंक्रीट का कितना होता है? 0.5 और 0.3 के बीच में कंक्रीट का पॉइजन रेशियो मान लेते हैं 0.5 कर दिया एग्जांपल के तौर पर, आपने बोला अभी मुझे 0.5 होता है भाई, 0.5 कर दिया तो क्या होगा इसमें? तो ऑब्वियस एक रबर तो है नहीं है, ठीक है। आप अपने आंसर से पूरी सिविल इंजीनियरिंग की रूप ही अलग कर दे रहे हैं, पॉइंट वन से पॉइंट टू, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे आपने अभी कंक्रीट के बारे में ये बोला तो इलास्टिक तो आप बोल नहीं रहे हो, तो माइल्ड स्टील कितना इलास्टिक होता है अब इसको बताओ, माइल्ड स्टील कितना इलास्टिक है? अगर माइल्ड स्टील इलास्टिक है आपके हिसाब से तो वो कितना है, कितने परसेंटेज तक है? अच्छा यहाँ तक, इसलिए क्योंकि वे हुक्स लॉ यूज करते हैं इसमें, है ना? कंक्रीट में हुक्स लॉ यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, कंफर्म? हुक्स लॉ कभी नहीं लगाया कंक्रीट के डिजाइन में। WSM LSM पढ़ा आपने, तब हुक्स लॉ कभी कहीं यूज नहीं हुआ, एजम्पशन भी नहीं लिया उन लोगों ने कुछ? किस मेथड में मानते हैं, LSM में मानते हैं, WSM में मानते हैं? चलिए तो आपको आई थिंक परसेंटेज याद है, फिर स्ट्रेन की कितनी परसेंटेज होंगी, कहाँ तक हम स्टील को डिजाइन करेंगे वहाँ पे कंक्रीट में? हाँ परसेंटेज हम बताइएगा, इलास्टिक लिमिट कितने स्ट्रेन तक होती है, कितनी परसेंटेज तक होती है? 0.1 से 2% तक ये स्ट्रेन होती है, है ना? इलास्टिक स्ट्रेन 1.2 से 2% तक। चलिए बढ़िया, 2% तक याद रख लो सर, जो बड़ा हो। माइल्ड स्टील में कंक्रीट, माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितनी होती है ये और बता दो बस। कार्बन परसेंटेज 2% तक, कंफर्म? माइल्ड स्टील की बात हो रही है, कास्ट आयरन की नहीं? कास्ट आयरन सुना होगा, ठीक, कास्ट आयरन तो नहीं लगा देते हम उसमें, जो आरसीसी होता है, ऐसा तो नहीं करते ना? ठीक है चलो, ठीक है, बुक्स उतारनी पड़ेंगी सर। आप हाँ सर, थोड़ा सारी बुक्स उतारनी पड़ेंगी यार, मुझे लग रहा है इनके साथ ना फिर से, चलो मतलब सिविल को ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दो मिनट में बुलाते हैं फिर आपको, है ना? आप थोड़ा सा वेट करिए बात। ठीक है।